1968 में फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी यानी पहली बरसी निज़ाम की, यूसुफ अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मरहूम मुनक़द किए थे, वो उनके साथ वलीयत बहादुर निज़ाम के वलीयत प्रिंस ऑफ बेरार आज़म जा बहादुर जो कमांडिंग चीफ थे आर्मी के, और शहजादी पाशा अहमद रिसा बेगम निज़ाम की डॉटर और उनकी एक बेगम खैर खादर निसा बेगम मालिक नहीं कहते उनको, वो लोग भी शिरकत करे थे, साथ थे। तो पहली बरसी ऑनर प्रेसिडेंट थे खानदादों के मेरे वालिद जी, तो पहली बरसी निज़ाम की मेरे वालिद करे थे। जब से सिलसिला जारी है? जब से सिलसिला जारी है अब हम लोग जो है अभी तो हमेशा हम ही करते बरसी जी। और एक जो उमर मजहबी औकाफ कमेटी का जो आता है वो निज़ाम अपना फंड रखे थे ख़ुद के फातिया के लिए, उसका भी ट्रस्ट रखे गए बेचारे मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको। तो वो औक़ाफ़ कमेटी वाले वो निज़ाम के पैसों से फातिया खानी करते। साहब कौन सी एनिवर्सरी है ये? 56 है, 55वीं है। अच्छा, अरबी कैलेंडर से जी, उर्दू कैलेंडर से, अरबी कैलेंडर से, क्योंकि थोड़ा पहले रहता ना जी, दिनों में कमी होती है उर्दू के, 14 ज़िख़ात को थी बात लोग इंग्लिश उससे नहीं, वो उर्दू कैलेंडर से तारीख देखते बात लोग। निज़ाम भी सुन्नत थे, मुसलमान थे, सुन्नी थे, और उनका भी जो है वर्सी इस्लामी तरीके से मुस्लिम पर मुस्लिम कैलेंडर से करते, इस्लामिक कैलेंडर से करते, अरबी कैलेंडर से ठीक कैलेंडर से करना बोले तो गलत है, वो हमारे पास ममनू है वो। ओके, अंग्रेज़ी से डेटों से नहीं होता, क्योंकि अरबी से महीना मुहर्रम से शुरू होता तो जनवरी इंग्लिश कैलेंडर से होती, तो इंग्लिश कैलेंडर दुनिया के लिए है वो, लेकिन इस्लामी कैलेंडर भी मुसलमानों के और ये भी दुनिया के लिए है। तो उनसे क्वीन से गिफ्ट लेके शादी में पहने तो वो उनका वो रह गया था समझो, औरों की नज़र उस पर थी इतने साल के बाद भी, और डायमंड की चमक पे थी, शादी को छोड़ के। ब्रिटिश की क्वीन, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को नहीं मालूम, वो पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर बोले तो उनका ने सूरज नहीं डूबता था, यानी पूरे वर्ल्ड पे इतना फैले हुआ था उनका हुकूमत, बहुत बड़ी बात थी। और ख़ास बात तो हिंदुस्तान के पूरे रजवाड़ों में पूरे राजा इंडिपेंडेंस के बाद प्रेस्ली स्टेट ख़त्म कर देती थी गवर्नमेंट, तो ये पूरे हिंदू जितने भी मुस्लिम राजाएँ थे जब पूरे मिलकर निज़ाम को उनका बड़ा बना के सेंटर से बात करने के अवसर निज़ाम को बड़ा बनाए थे पूरे राजा। और इंडिया का सबसे सीक्युलर रूलर निज़ाम जी, बहुत सीक्युलर, इनके प्राइम मिनिस्टर महाराजा किशन प्रसाद मरहूम, यानी इनके उस पर एडमिनिस्ट्रेटर भी पुलिस कमिश्नर रिज़ाइन करके निज़ाम के प्राइवेट स्टेट के बाद इंडिपेंडेंस के बाद हैदराबाद में मिलने के बाद हैदराबाद के सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पुलिस कमिश्नर थे एसएन रेड्डी साहब रिज़ाइन करके निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बने थे उन्होंने, और कमटी उनके ख़जाने पे रखे थे, और कायस्थों को और हर कम्यूनिटी के लोगों इंडिया के कोने कोने से हैदराबाद में बुला के, मारवाड़े उनको सबको बुला के बसाए थे यहाँ पर, हर कास्ट के लोगों को हैदराबाद में बसाए थे निज़ाम, वो लोग देशमुखा हैं, राजा हैं, उन लोगों को भी अच्छे दर्जे दे के, कारोबार को पैसे दे के, अच्छा वो लोग यहाँ पे बुला के हैदराबाद के पॉपुलेशन को यानी वसी करने के लिए पूरे इंतज़ाम करे समझो। लोग 60s में बाहर जाके कमाने जा रहे थे, 60s से पहले समझो खाने को नहीं था वो लोगों ने, तो वैसे टाइम पे अरबों को बुला के यहाँ पे नौकरियाँ दी थी, वो लोग इधर आते थे हैदराबाद के नौकरी के, अरब कम्युनिटी हाँ यहाँ आते थे हैदराबाद के, उनकी फ़ौज में है ना अरब, यमनिया है, यमनिया हर कबीले के है जी, ये पहले स्पीकिंग बॉडी के शाह अब्दुल अजीज आए थे मक्के मदीने को भी, मक्के शरीफ मदीने शरीफ को भी इमदाद देते थे, वहाँ पे भी रुबाबा भी बनाए थे निज़ाम, अभी भी थोड़े कायम है। बहरहाल निज़ाम के कारनामे वो अपन एक साल तक भी बोलता ख़त्म नहीं होते, एक अल्लाह वाले थे हमारे हिसाब से, उन्होंने एक अल्लाह वाले बहुत नेक आदमी थे निज़ाम, और आवाम परवा थे, सेक्युलर तो थे उन्होंने, इस बात से उन्होंने बोलते थे एक आँख मेरी मुसलमान है एक हिंदू है ये मेरे है बोलते थे,
अरे एक बड़े आते हैं उन्होंने मर्सिडीज में आते बहुत ओल्ड मैन है हिंदू के वहाँ ताजमहल को आते भी हुए अगर कोई भी खुनावल के निज़ाम को अगर मजाक से उनके सामने खिलाफ बोले तो लड़ लेते हैं नहीं सुनते पुराने लोग नहीं सुनते हिंदू भी रहते तो नहीं सुनते निज़ाम के खिलाफ और ये जो भी है हिंदुओं को मुसलमानों को निज़ाम ऐसा जुलम करे सब गलत बात है वो रजाकारा थे आसिम रजवी थे उसके वो लोग करे थे जुलम निज़ाम ऐसा हिंदुओं पे निज़ाम कभी कोई हिंदुओं पे जुल्म नहीं करे सोए आसिम रजवी थे रजाकार थे वो इंडिया गवर्नमेंट से लड़ो बने थे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी निज़ाम नहीं मिले थे स्टेट अलग था ये तो उन्होंने लड़ो लड़ो बोल के आसिम रजवी निज़ाम पे प्रेशर डाले निज़ाम को ये पैलेस में क़ैद कर दिए थे नज़र बंद कर दिए थे उन्होंने फिर निज़ाम अपने एक मिनिस्टर को हाथ टूटा बोल के आसिम रजवी से परमिशन लेके मुंबई में ऑपरेशन करना है बोल के भेजे उन्होंने दिल्ली जाके निज़ाम का फरमान हाथ प्लास्टर में लपट के दिए तो सरदार पटेल को दिए नेहरू साहब नहीं थे सरदार पटेल को दिए पुलिस एक्शन करो बोल के निज़ाम खुद ये लोग ऐसा कर रहे हैं आवाम खाली पीली हिंदू मुसलमान मर जाते बोल पुलिस एक्शन खुद निज़ाम करा इसमें हैदराबाद को दे के वो सब निज़ाम को बदनाम करने तोहमत उठाने करे सो रजाकारों का है काम था वो बदनाम इन्हों होते सो था वो उन पर यह भी एक तोहमता बोताना इल्ज़ाम लगते रहते हैं और गलत फहमियाँ इस वास्ते नए जनरेशनों में गलत डालते रहते हैं और सरदार पटेल से भी नेहरू से भी निज़ाम की बहुत अच्छी गहरे ताल्लुक थे रेस्पेक्ट था एक दूसरे को लेटर भी लिखते थे वो लोग आपस में सरदार पटेल भी निज़ाम को बहुत चाहते थे वो सब ऐसा गलत पिक्चर जैसा हिस्ट्री तोड़ मटोड़ के जैसा आजकल आम हो गया वो वैसे कर रहे हैं क्योंकि हर कम्युनिटी में फूट होगी सीटा मिलना बोल के और कुछ भी नहीं होते इस वजह से दक्कन के हैदराबाद के हिंदू मुसलमान हर रिलीजन के लोग आपस में गंगा जमुना की तहजीब से रहो और मिलजुल के रहने में स्टेट की तरक्की है और ये चीफ मिनिस्टर भी आवाम की तरक्की में उन्होंने भी जो है बड़े बड़े काम जो प्रोजेक्ट का काम करे हुए वो कोई सोचे भी नहीं थे कालेश्वरम का बहुत बड़ा काम करे हुए ठीक है।